तो मेरे ख्याल से रॉयल रंबल 2022 एक क्रेजी पे पर व्यू हो चुका है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इसी पे पर व्यू के बारे में बात करेंगे। रियली सॉरी चैनल पर बहुत देर के बाद वीडियो आ रही है। तो गाइस यहाँ पर से क्या कुछ चीजें होती है, ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हार गए लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रॉयल रंबल मैच को जीता है। रोंडा राउजी का रिटर्न हो चुका है। रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के मैच में क्या कुछ चीजें होती, तो फटाफट से वीडियो के अंदर सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को गाइस आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम लोग जो है ज्यादा देर नहीं करते और यहाँ पर से ओपनर के अंदर ही होता है रोमन रेंस और सेथ रोलिंस का मैच। सेथ रोलिंस आते हैं शील्ड के एंट्रेंस के साथ और शील्ड के ही कपड़े उन्होंने पहने थे और वो ऑडियंस के अंदर से आते हैं। रोमन रेंस वही से फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं और यही से सेथ रोलिंस माइंड गेम्स को प्लान करते हैं। लेकिन इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और यहाँ पर मैच के अंदर पहले सेथ रोलिंस तो यहाँ पर बहुत चालाक यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं लेकिन उसके बावजूद मैच तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रोल लेते हैं। रोलिंस के पास भी अच्छा खासा कंट्रोल होता है, रोमन रेंस ने भी अच्छा खासा कंट्रोल लिया था। और गाइस मैच के अंदर हमें क्या चीज़ें दिखाई देती है कि सेथ रॉलिंस ने गाइस शील्ड की तरह ही पावर बॉम्ब लगा दिया रोमन रेंस को, लेकिन वो लगा देते हैं सेथ रॉलिंस टेबल के थ्रू, जिसके तहत हमें टेबल ब्रेक होती हुई दिखाई देती है। और सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर लेकर बकल बॉम्ब लगाते हैं, उसके बाद स्टॉर्म मारते हैं, उसके बाद 1-2, लेकिन यहाँ पर से रोमन रेंस हमें किकआउट करते हुए दिखाई देते और यहाँ पर से रोमन रेंस की ओर से भी हमें इसका जवाब स्पीयर से दिखाई देता है, जहाँ पर रोमन रेंस हमें रिंग से बाहर एक स्पीयर मारते हुए दिखाई देते हैं। और जिसके बाद हमें मैच के अंदर जो है रोमन रेंस की विक्ट्री तो नहीं होती हुई दिखाई देती लेकिन रिंग के अंदर भी गाइस विक्ट्री नहीं होती। और जिसके एंडिंग के अंदर क्या चीज़ें होती है, रोमन रेंस गाइस एंडिंग में गिलेटिन लगा देते हैं, सेथ रॉलिंस रोप्स को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस छोड़ते नहीं, मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड होता है और रोमन रेंस स्टील चेयर से पूरी तरीके से उसके बाद अटैक करते हैं। और यहाँ पर से डिस्क्वालिफिकेशन से रॉलिंस की जीत हुई हो लेकिन फिर भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है। लेकिन मेरे से बहुत बकवासी डिसीजन था WWE का मैच को इस तरीके से एंडिंग करना, ऊपर से उसे उसको भी बैन कर दिया था तो डिस्क्वालीफाई तो मैच हुआ, लेकिन ये कुछ हमें चीज़ें दिखाई देती है लेकिन मैच काफ़ी सही था। इसके बाद गए जाता है 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच और भाई साहब ये भी काफी कमाल का मैच था। एक घंटे से भी ज्यादा आपको पता है रॉयल रंबल मैचेस लेंदी होते हैं और साशा बैंक्स एंटर करती है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर मिलीना होती है। लेकिन गाइस मैच की बात करें, मैच के अंदर बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार हमें आती हुई दिखा देती है। लेजेंड तो भरपूरी WWE ने अनाउंस की थी गाइस, यहाँ पर समर रे, मिशेल मकूल, यहाँ पर से हमें जो है सोनिया डेविल और गाइस नियोमी के बीच भी रिंग में स्टे डाउन होता है, जहाँ पर सोनिया डेविल को बाहर कर ही देती है वो। लेकिन गाइस यहाँ पर से सोनिया डेविल जो है हाथ खींचती है नियोमी का, जिसके कारण नियोमी भी एलिमिनेट हो जाती है। शार्लेट फ्लेयर वगैरह आती है, निकी बेला, ब्री बेला भी गाइस यहाँ पर आते हैं। लेकिन गाइस टॉप जो लास्ट की एंट्रेंस थी और गाइस लास्ट की एंडिंग की गाइस यहाँ पर से अगर बात रहती है तो गाइस यहाँ पर से हमें क्या चीज़ें दिखाई देती कि लास्ट के 28 नंबर पर गाइस आती है राउडी रोंडा राउजी। रोंडा राउजी का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रोंडा राउजी एंटर करती है और उसके बाद 30 नंबर पर गाइस हमें स्पॉट दिखाई देता है शीना बेलर का, जिसके बाद टॉप 5 शार्लेट फ्लेयर, बियांका बेलर, रिया रिपली ना यहाँ पर से रोंडा राउजी और गाइस जो शीना बेजलर है वो होती है और सबको बाहर कर देती है यहाँ पर से रोंडा राउजी एंड वो मैच को जीती है और वो रॉयल रंबल जीत चुकी है और वो अब हेडलाइन करने वाली है रेसलमेनिया 38 को। और गाइस यहाँ पर से हमें रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर को रिंग से बाहर करती हुई दिखाई देती, जिसके बाद वो हमें इस रॉयल रंबल मैच को जीती हुई दिखाई देती और यहाँ पर से अब वो आगे बढ़ेगी और वो अब जाने वाली है रेसलमेनिया
38 के अंदर तो भाई बहुत कमाल की ये चीज़ें थी। और आज रॉयल रंबल के अंदर रोंडा राउजी की रिटर्न भी हमें दिखाई देती है। इसके बाद कैसे अगला मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का बैकी लिंच और ड्यू ड्रॉप के बीच, और बैकी लिंच और ड्यू ड्रॉप के मैच के अंदर गाइस ये नॉर्मल सा मैच था, और मैच के अंदर बैकी लिंच को ज़्यादा जद्दोजहद करने की कोशिश भी लगती है, लेकिन वो मैच के अंदर ड्यू ड्रॉप को टॉप रोप से मैन हैंडल स्लैम लगाती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण वो अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को हमें रिटेन करती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद फिर अगला मैच होता है शो के ऊपर, वो होता है बहुत कमाल का मैच WWE चैंपियनशिप का मैच, और ब्रॉक लेसनर आते हैं, बॉबी लैशली आते हैं, और यहाँ पर से मैच स्टार्ट होता है। तो ये पहले एक नॉर्मल सा जैसे नॉर्मल मैच में होता है हाथापाई वगैरह वैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से MMA की तरह यहाँ पर वो लड़ते हैं, लेकिन गाइस बॉबी लैशली जर्मन सुप्लेक्स लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर को, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर भी हंसते हैं और वो भी जर्मन सुप्लेक्स लगा देते हैं। भैया अपना वो कहा पीछे हटने वाले, लेकिन उनका भी काफ़ी कमाल का जर्मन सुप्लेक्स होता है, और भाई मैच काफ़ी मतलब ये काफ़ी कमाल का था ही, दोनों हैवी वेट्स थे। और गाइस यहाँ पर से ब्रॉक लेसनर को वो स्पीयर भी मारते हैं दो रिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद वो जो है रिंग से बाहर चले जाते हैं, और वो डे वन की तरह ही बैरिकेड पर स्पीयर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर वहाँ पर से हटते हैं, जिसके कारण गाइस ब्रॉक लेसनर FI लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसी चीज़ होती नहीं, और रिंग के अंदर वो लेकर जाते हैं बॉबी लैशली को और 3-4 सुप्लेक्स लगाते हैं, जिसके बाद वो F5 के लिए उठाते हैं, लेकिन हर्ट लॉक गाइज कनेक्ट होता है, लेकिन हर्ट लॉक से भी गाइज वो बचते हैं और F5 लगा देते हैं, जिसके कारण रेफरी नॉकआउट हो जाते हैं, और भाई रेफरी नॉकआउट हो जाता है तो जिसके बाद क्या चीज़ें होती है, ब्रॉक लेसनर ने F5 मारा होता है और 1-2-3 होने वाला था, लेकिन रेफरी तो नहीं था, और पीछे से आते हैं रोमन रेंस स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर लगा देते हैं, जिसके बाद गाइज स्पीयर लगाने के बाद पॉल हेमन की ओर देखते हैं, टाइटल मांगते हैं WWE चैंपियनशिप, और पॉल हेमन टाइटल देते हैं, और जिसके बाद टाइटल से मारते हैं, नया रेफरी आता है, और 1-2-3 एंड हियर बॉबी लैशली इज योर न्यू WWE चैंपियन, और भाई रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ वहां पर हमें जाते हुए दिखाई देते हैं, और गाइस यहां पर ही हमें चीज़ें दिखा दी थी, और शॉकिंग वे में लेसनर के हाथ से टाइटल जा चुकी है रोमन रेंस की मदद की वजह से, और ब्रॉक लेसनर हारे, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर है वो गुस्सा यहां पर ही ख़त्म नहीं होता है, आगे भी बहुत कमाल दमाल होता है, लेकिन इसके बाद सेमी मेन इवेंट होता है गाइस मिक्स्ड टैग टीम मैच जो की होता है एजन बेथ फिनिक्स वर्सेस मिस एंड मरीज के बीच, और गाइज यहाँ पर से यह भी हमें काफ़ी एक ठीक ठाक कहूँगा मैच होता है, और गाइज एज और जो सॉरी मिस और एज और बेथ फिनिक्स से उनको काफ़ी अच्छा क्राउड की ओर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और गाइज मैच के एंडिंग के अंदर डबल स्पीयर लगाते हैं मिस को, जिसके बाद ग्रैंड स्लैम, और जिसके बाद गाइज एज हमें मिस को पिन करते हुए दिखाई देते हैं, और इस मैच के अंदर एज और बेथ फिनिक्स की हमें विक्ट्री हासिल होती हुई दिखाई देती है। लेकिन बात करते हैं अब शो के हम लोग मेन इवेंट के बारे में, जो कि था 30 मैंस रॉयल रंबल मैच, और ओपनर ही करते हैं AJ स्टाइल्स और अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा, और जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी रॉबर्ट रूड वगैरह सभी आते हैं गाइस, और हमें काफ़ी कमाल का एक्शन दिखाई देता है, जो स्टाइल्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, रिच हॉल स्ट्रीट प्रॉफिट सैमी जेन जॉनी नॉक्सविल डेमियन प्रीस्ट डेमियन प्रीस्ट गाइस जो मतलब जॉनी नॉक्सविल है उनको सभी टारगेट बनाते हैं, और उनको आते सर थोड़ी देर के बाद उनको रिंग से बाहर भी करते हैं, और गाइस यहाँ पर से बात रहती है बाकी के रॉयल रंबल मैच के बारे में, तो भाई ओमास की जब एंट्री होती है तो ओमास भी काफ़ी तगड़ा एलिमिनेशन तो इतना कर नहीं पाते, लेकिन उनको सभी टारगेट बनाते हैं चैट गेबल मिलकर, और जिसके बाद उनको एलिमिनेट करते हैं गाइस एज स्टाइल्स, और मैच के अंदर शॉकिंगली ड्रू मैकइंटायर भी आते हैं, और ड्रू मैकइंटायर हैप्पी कॉर्बन एंड मैडकैप मॉस से अपना बदला भी ले लेते हैं, और उनको रिंग साइड से मतलब उनको एलिमिनेट भी करते हुए दिखाई देते हैं, और गाइस मैच की बात करें तो कोफी किंगस्टन भी आते हैं, लेकिन कोफी किंगस्टन भाई एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन गाइस हमें 27th IS नंबर पर आते हुए दिखाई देते हैं बैड बनी आते काफ़ी कमाल की
उनको पॉप वगैरह मिलता है, बैड बनी आते हैं और 28 नंबर पर आते हैं अपने शेन मैकमैन। और शेन मैकमैन आते हैं और भाई यहाँ पर से उसकी बात हमें क्या चीज़ें दिखा देती है, 29 नंबर पर, 29 नंबर पर जो एंट्री होती है वो किसी और की नहीं होती बल्कि वो होती है अपने होम टाउन हीरो यानी कि अपने रैंडी ऑर्टन। और भाई क्या कमाल का रैंडी ऑर्टन को क्राउड की ओर से रिएक्शन मिला है काफ़ी, ये सी हमें थिंग दिखाई देती है। और गाइस रैंडी ऑर्टन आरक्यू की बारिश करते हैं लेकिन जैसे 30 नंबर बचता है ब्रॉक लेसनर एंटर करते हैं और भाई सभी रिंग में हैरान होते हैं और भाई लेसनर सबको आउट कर देते हैं, शेन मैकमैन को उन्होंने बाहर कर दिया, बिगी वगैरह सभी को तो बाहर होते ही, और गाइस बैड बनी को भी उन्होंने आउट कर दिया, रिडल को भी उन्होंने फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया कि मानो एक खिलौने को उन्होंने फेंक दिया। और भाई जिसके बाद एंडिंग में ड्रू मैकइंटायर बचते हैं और ड्रू मैकइंटायर के आमने सामने वो होते हैं और ड्रू मैकइंटायर को एक F5 लगाते हैं रिंग से बाहर और ब्रॉक लेसनर हमें रॉयल रंबल को जीतते हुए दिखा देते हैं। और भाई जो गुस्सा था वो थोड़ा सा तो शांत होता है और ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीत लिया, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ें होती है आज रॉयल रंबल में। तो आपको आज का रॉयल रंबल शो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हो। लेकिन आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।